ये लोकतंत्र की हत्या है। हमको मशाल जुलूस नहीं निकालने दिया गया, हमने मशाले जलाई, अपने कपड़े निकाल के रुमाले लगा करके मशाले जलाई। मोदी के बड़े जुलूम, कई नेता गिरफ्तार, 30 दिनों के भीतर आवास खाली करने का ऐलान। बता दें कि कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य और सत्यग्रह से डर गया तानाशाह। कांग्रेस के शांतिपूर्ण मशाल मार्च को रोकने के लिए लाल किले के पास भारी संख्या में पुलिस लग गई थी। दिल्ली के कोने कोने से कांग्रेस के साथियों को हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेता लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति या लोकतंत्र बचाओ मार्च में भाग लेने के लिए लाल किले पर एकत्र हुए थे। खास बात यह है कि राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर अपना आधिकारिक आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेताओं ऐसा करने का फैसला किया। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमने मशालें जलाई जिन्हें पुलिस ने बुझाने का काम किया, लेकिन हम दिल की मशाल जलाएंगे, हर जुलूम से लड़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्य और सत्यग्रह से डर गया तानाशाह। कांग्रेस के शांतिपूर्ण मशाल मार्च को रोकने के लिए लाल किले के पास भारी संख्या में पुलिस लगा दी गई, जिससे हिरासत में भी लिया गया कांग्रेस के नेताओं को। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने घोषणा की थी कि सभी कांग्रेस सांसद और नेता मार्च से में भाग लेने जा रहे हैं, दिल्ली के टाउन हॉल में समाप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगले 30 दिन ब्लॉक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन होगा। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार सभी संस्थानों को कमजोर कर रही है। यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, तब से कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान ही उन्हें जमानत भी दे दी गई, लेकिन 2 साल की होने की वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। अब इसी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में और ज़्यादा कांग्रेस जुट गई है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।